गाजियाबाद के लोनी में विधायक नंद किशोर गुर्जर ने सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों का दौरा किया। इस दौरान विधायक नंद किशोर गुर्जर ने सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन बेड कोविड टेस्ट की सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में भी व्यवस्था बनाने में संचालकों से बातचीत की। आपको बता दें कि विधायक नंद किशोर गुर्जर का कहना है कि सामान्य फ्लू की तरह कोरोना संक्रमण को न समझे। लोनी में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है, किसी भी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर क्या व्यवस्था इस समय आप देख रहे हैं, और जो कोविड की जो टेस्टिंग हो रही है वो कितने परसेंटेज उसमें पॉजिटिव है, या जनता को पैनिक करने का, या जो सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है उसमें क्या देख रहे हैं आप, कितनी जरूरत है? अभी जो टेस्टिंग चल रही है 100 से ऊपर डेली टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे, जिसमें 40% प्लस तो आ ही रहे हैं, पॉजिटिव हो जा रहे हैं। बट ये कि उसमें मैक्सिमम हेल्दी हैं, मतलब ऐसे सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, और उनको उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए मास्क लगाने के लिए और काढ़े के लिए स्टीम के लिए सारा चीज़ बताया जा रहा है, जिसमें वो निगेटिव भी फिर आ रहा है 15-20 दिन के बाद से। और स्टाफ पे भी लोग हुए और हेल्दी भी हो गए उसके बाद में। सिलेंडर की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे, बेड भी है, अवेलेबल है, इमरजेंसी जो आ रही है उनको देखी जा रही है, और पूरा यहाँ पर इंतज़ाम है। पॉजिटिव होने के बाद जैसा बताया जा रहा है कि सीएमओ के लेटर की आवश्यकता है एडमिट होने के लिए, या फिर डायरेक्ट आप लोग एडमिट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, एडमिट कर रहे हैं, और लेकिन ऐसा लगता है जिसमें सैचुरेशन 60% जा रहा है, 70% जा रहा है, तो उनको हमें रेफर करना पड़ रहा है, अदरवाइज 90 तक तो हम एडमिट कर लेते हैं। मेरा नाम प्रीति तोमर है, मैं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पद पर हूँ, इस टाइम मैनेजमेंट को देख रहे हैं, डॉक्टर साहब मेडिकल का पूरा चार्ज इनके पास है इस टाइम। डॉक्टर साहब, क्या जो माहौल है कोविड जो दोबारा दूसरी लहर चल रही है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं हमारे लोनी में, जो सरकारी अस्पताल है इसमें व्यवस्थाएं क्या हैं, बेड ऑक्सीजन की जो सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं, किस तरह से आप व्यवस्था को देख रहे हैं, और जो जनता है उसको क्या संदेश देना चाहिए? जहाँ तक कोविड टेस्ट की बात है, अभी भी हमारे यहाँ कोविड के टेस्ट चल रहे हैं जो आप सामने देख सकते हैं। ऑक्सीजन के लिए हमारे पास 15 सिलेंडर अभी भी रखे हुए हैं, 30 बेड की इमरजेंसी के लिए व्यवस्था की गई है। और जो सोशल मीडिया पे एक भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है कि लोनी में स्थिति खराब है, जो रिपोर्ट है किस तरह की देखी जा रही है, और क्या क्या प्रिकॉशंस लोगों को लेने चाहिए, क्या बताना चाहिए? जैसे कि हम निरंतर अवगत करा रहे हैं कि आप लोग डिस्टेंस बनाए रखें, गर्म पानी लें, काढ़े का सेवन करें, इसके अलावा भाप लगातार लेते रहे, वो हम लोगों की तरफ से पब्लिक को हमेशा जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा हम लोग, अगर हमारे पास पेशेंट कोई सिम्टोमेटिक आता है, उसके लगातार टेस्ट भी हो रहे हैं, और इमरजेंसी के लिए हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। इस टाइम डॉक्टर साहब इमरजेंसी में ड्यूटी कर रही हैं, उनके द्वारा आपको बताया जाएगा। शर्वती, एक बात बताइए, आप यहाँ के विधायक प्रतिनिधि भी रहे हैं, और पिछली बार भी हमने देखा पैंडेमिक के टाइम में काफ़ी जो है लगातार रसोइयाँ चली है, लेकिन इस बार वक्त से पहले ही क्या आपको आभास हो रहा है, क्या आने वाला आगाजी टाइम आपको भी लग रहा है कि कुछ जो है इस तरह का हो सकता है? देखिए, संकट विषम है पूरे देश पे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और सब जनता के भी हाथ में ज़्यादातर ये है कि वो भी सारे नियम कोरोना के जो काल के जो भी लागू हैं सरकार की तरफ से उसे फॉलो करें। हमने, माननीय विधायक जी ने इसलिए चिंता की लोनी में, कि लोनी में विशेष तौर पे दूर दराज से आगे बसे हुए लोग, तो कहीं जो विशेष स्थिति में जब बीमार पड़ जाता है तो कहीं ना कहीं उस पर ऐसी दिक्कतें आती हैं कि वो खाने पीने का नहीं कर पाता। दूसरा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अकेले रहते हैं यहाँ पर, फैमिली उनकी गाँव में रहती है, वो बीमार हो गए हॉस्पिटल में, उनके खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी कुछ कॉल हम पे आई थी, माननीय विधायक जी के ट्विटर पे ट्वीट भी किया गया था, तो हमने उनको भोजन पहुंचाने का काम किया। तो हमने सोचा कि जैसे जैसे हमारे पे रिक्वायरमेंट ऐसी आएगी कि कोई बीमार है या कोई ऐसी स्थिति में है कि उसके पास भोजन नहीं है, तो भाजपा सरकार में और माननीय विधायक जी की मंशा के अनुसार कि लोनी में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, पिछली बार भी जब 7-7 रसोइयाँ चलाई गई थी तो इसी संकल्प के साथ चलाई गई थी, आज भी इसी संकल्प के साथ हम वचनबद्ध हैं। दूसरा, शनिवार इतवार को भी लॉकडाउन, अब वीकेंड लॉकडाउन मेरे ख्याल से प्रदेश में भी लागू होगा, तो उसको देखते हुए भी रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, तो उसको देखते हुए हमने ये व्यवस्था चालू की है। यहाँ हम लोगों ने कोरोना की वजह से यहाँ पे कोई खाने का इंतजाम रखा नहीं है, पर हाँ, जिनकी भी हमारे पे कॉल आ जाती है, या हमारे ट्विटर अकाउंट पे, फेसबुक पे, माननीय विधायक जी के पे, हमारे पे, या पूरी टीम जो लगी हुई है इसमें, माननीय विधायक जी की और नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही है और पूरी सरकार, और मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ सभी लोनी वासियों को, कि चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे आपके वेंटिलेटर की बात हो, चाहे आईसीयू बेड की बात हो, आपको कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर रहें। माननीय विधायक जी, हम, एसडीएम साहब लोनी की और पूरी टीम, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता आप लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा,
और आपको कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जनता से ये अपील है कि वो मास्क का, सैनिटाइजर का और गैप का पालन करें, जब भी जो घर से बाहर निकले जब ज़रूरी हो। और हम लोगों के लिए अगर कहीं कोई बात है तो हमारे फेसबुक अकाउंट पे या हमारे पेज पे या ट्विटर अकाउंट पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, उनको भोजन की व्यवस्था करवा दी जाएगी और अगर अन्य किसी सामग्री भी की भी जरूरत है तो उसे भी बताएगा तो वो भी पहुँचाई जाएगी। ललित जी, व्यवस्था कब तक चलेगी, जैसे कि 3 दिन का ये लॉकडाउन रहेगा हर? सर, कोरोना की दूसरी लहर का मामला चल रहा है और लोनी में सोशल मीडिया पे एक भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है कि कोई बेड नहीं है और ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है और लोगों को एडमिट भी नहीं किया जा रहा है, जबकि डॉक्टरों का कहना है कि पूरी तरह से व्यवस्था। आप यहाँ आज देखने आए हैं, क्या आपने देखा और क्या पाया? देखिए, हम लगातार संपर्क में, पिछले 3 दिन से हम सोए नहीं है, जहाँ से भी सूचना आ रही है, लोनी की बात नहीं है, गाजियाबाद की और आसपास दिल्ली से भी हमने कई मरीज एडमिट कराए हैं, एक हरियाणा से भी कराया पानीपत से, तो लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपने देख लिया क्या स्थिति है, हमारे पास गैस सिलेंडर भी पर्याप्त है, बेड्स आपने देखे, बेड भी हमारे पास हैं और जो टेस्ट चल रहा लगातार आप देख रहे हैं, सामने आपने रिपोर्टिंग की होगी, टेस्ट चल रहा। और ये केवल यहाँ की बात नहीं है, पूरे ज़िले के अंदर व्यवस्था बहुत शानदार है और हमारे ज़िले में खासतौर से लोनी में कोई कोरोना नहीं है। ये लोग दिमाग से निकालते हैं, ये बिना वजह का हवा बनाया गया है। कोरोना जो वायरल चल रहा है बुखार, उसको कोरोना बता करके लोगों के दिमाग में एक फोबिया डाला जा रहा है, कोरोना लोनी में नहीं है। जो लोग दिल्ली से, कोई 2-4 लोग इस तरह गए, संक्रमित हुए हैं, उनका इलाज भी हो गया है तो, और डॉक्टर जो हॉस्पिटल प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है डॉक्टरों से कि लोगों को बुखार के जो पेशेंट हैं जिनको वायरल है उनको कोरोना समझ के उनका इलाज नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। डॉक्टर को धरती पर भगवान माना गया है, इसलिए मेरा सभी डॉक्टर से कहना है कि लोगों का ट्रीटमेंट करें। पूरे देहात में एक भी केस नहीं है, मैं कॉलोनियों में गया, राम पार्क, सारी कहीं जगह लोगों ने कहा जी कोई केस नहीं है, तो एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कि आफत आ गई, कहीं कुछ नहीं है। लोनी में कोई कोरोना है नहीं, कोई बाहर का आया उसके लिए हम मुस्तैद हैं, पूरी अस्पताल हमारी तैयार खड़ी है, हॉस्पिटल्स के अंदर बेड आपने देखे, ऑक्सीजन का एक हुआ था, ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर्याप्त सिलेंडर है, जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर पूरा ऑक्सीजन की व्यवस्था है, जो हॉस्पिटल दूसरी हमारी हैं कई उन हॉस्पिटल्स के अंदर भी ऑक्सीजन हमने उपलब्ध कराई है, तो कहीं किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरी तरह से लोनी मुस्तैद है और लोनी के अंदर लोगों के सहयोग से, जो लोनी के भाई बहन सब हैं, वो हिम्मत के साथ हम कोरोना का हराएंगे और लोनी जीतेगी, लेकिन ये भरोसा रखें और डॉक्टर से भी निवेदन है कि वो सबका ट्रीटमेंट करें, क्योंकि 99.9% लोग वायरल है, जो चलता है सीजन में मौसम चेंज होने के बाद, वो सबको चल रहा है और वो लोग सब ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन इसका एक और मेरा कहना है कि भाप सुबह शाम वायरल में भी, और किसी को अगर बाहर से आकर के इन्फेक्ट हुआ है, कोरोना हुआ है, तो 3 बार दिन में भाप लें, नाक में तेल या घी लगा करके बाहर निकलें और हनुमान चालीसा, नासे रोग हरे सब पीरा जबन निरंतर हनुमत बीरा, हनुमान चालीसा का पाठ करें 5 बार, ज़्यादा नहीं कर सकते, 2 मिनट का काम है, गायत्री मंत्र और जो हमारा महामृत्युंजय मंत्र है, मौत के मुंह से भी खींच लाने वाला मंत्र है, ओम त्रियंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुक्मि वंदनात् मर्त्युर्मोक्षे मामृतात्, छोटा सा लाइन है। और जिस धर्म के, चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हैं या ईसाई धर्म के लोग हैं, सबके यहाँ अपने अपने इबादत करने का एक सिस्टम है, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, इसलिए लोनी पूरी तरह से सैनिटाइजेशन चल रहा है पूरे में, हमने वार्डों में चेक करके आए हैं, सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, घर से नहीं निकल रहे हैं। हाथ जोड़ के फिर निवेदन है, ये बहुत महामारी का दौर है और दुनिया के अंदर है, कोई ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में ही है, अपने घरों में रहें, बहुत ज़रूरी हो बाहर निकलें, 7-8 दिन में ये दम तोड़ जाएगा, पहली लहर को हमने देखा है और लोनी के अंदर ना पहले कोरोना था ना आज कोरोना है, इसलिए हिम्मत के साथ रहें, सभी भाई बहन मिलजुल करके एक दूसरे की मदद करें। हमने रसोई भी चलाई है अपनी और पूरी तरह से एक एक भाई बहन की, एक एक नागरिक की हमें चिंता है, चाहे वो कितने गरीब है अमीर है, हमें उसमें कोई भेद नहीं है, आप लोग सब भरोसा रखें। अभी मैं दूसरी हॉस्पिटल्स में भी और कॉलोनियों में जा रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई कोरोना नहीं है, ये सब बिना वजह की जो बात लोग फैला रहे हैं, इनको ऊपर वाला भी देख रहा है और प्रशासन भी इन पर कार्रवाई करे, मेरा ये कहना है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।